हाय गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की टॉपिक है टीवीएस की BS6 बाइक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले टीवीएस अपनी दो BS6 बाइक को लॉन्च किया था। एक था टीवीएस अपाची 164B और दूसरा था अपाची 204B, और दोनों बाइक में आपको फीचर्स के साथ प्राइस में भी चेंजेस देखने को मिला था। और अब कुछ लीक से पता चला है कि टीवीएस जब अपनी सभी बाइक की BS6 मॉडल को लॉन्च करेगा तो उन सभी बाइक की प्राइस क्या होगा। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा सभी बाइक की ऑन रोड प्राइस जो डेली के हिसाब से है। और प्राइसिंग की बात करें तो अलग अलग शोरूम में प्राइस अलग हो सकता है, मतलब कुछ शोरूम में प्राइस ज्यादा भी हो सकता है और कुछ शोरूम में प्राइस कम भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपाची RR 310 की। BS4 मतलब करंट जनरेशन में आपको देना पड़ता है 2,59,130 रुपीस ऑन रोड, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 2,98,000 ऑन रोड। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको देना पड़ेगा 38,870 रुपीस ज्यादा। TBS Sport ES की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 60,359 रुपीस, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 69,413 रुपीस। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 9,059 रुपीस। TBS Star City Plus की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 64,184 रुपीस, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 73,811 रुपीस। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 9,628 रुपीस। TBS Victor ES ड्रम ब्रेन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 68,230 रुपीस, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 78,464 रुपीस। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,234 रुपीस। TBS Victor ES डिस ब्रेन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 71,434 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 82,150 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,715 रुपीज। TBS Radeon ES की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 62,370 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 71,664 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 9,347 रुपीज। Apache Hunter 162 भी सिंगल डिस्क ब्रेन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 1,06,381 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 1,22,338 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 15,957 रुपीज। Apache RTR 162 भी डबल डिस्क की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 1,09,769 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 1,26,234 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 16,465 रुपीज। Apache Hunter 182 भी डबल डिस्क की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 1,14,757 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 1,31,971 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 17,214 रुपीज। मतलब बहुत ही ज्यादा है। और Apache 164 भी और 200 की बात करें तो इन दोनों बाइक के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इन दोनों बाइक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल में मेरी वीडियो है, आप कार्ड में जाके देख सकते हो। और इन सभी के अलावा TBS XL 100 हेवी ड्यूटी की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 49,665 रुपीज ऑन रोड, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 57,115 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 7,450 रुपीज। तो गाइस, ये तो गई बाइक की बात। स्कूटी की बात करें तो स्कूटी पे प्लस BS4 वेरिएंट का प्राइस है 54,937 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 63,178 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 8,241 रुपीज। TBS Jupiter की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 64,465 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक की प्राइस होगा 74,135 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 9,670 रुपीज।
चीज। टीबीएस जुपिटर क्लासिक की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 71,206 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 81,887 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 का प्राइस ज्यादा हो जाएगा 10,681 रुपीज। टीबीएस जुपिटर ZX ड्रम ब्रेन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 68,764 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 79,078 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,315 रुपीज। TBS जुपिटर ZX डिस ब्रेन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 70,970 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक के प्राइस होगा 81,544 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,636 रुपीज। TBS जुपिटर ग्रांडे की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 75,255 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 86,543 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 11,288 रुपीज। TBS एंटॉक डम ब्रेन की बात करें तो BS4 का प्राइस है 70,006 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 80,507 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,501 रुपीज। TBS एंटॉक डिस ब्रेन की बात करें तो BS4 का प्राइस है 73,122 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 84,090 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 10,968 रुपीज। TBS एंटॉक रेस एडिशन की बात करें तो BS4 मतलब करंट जनरेशन का प्राइस है 75,924 रुपीज, लेकिन BS6 लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस होगा 87,313 रुपीज। मतलब BS4 के मुकाबले BS6 में आपको ज्यादा देना पड़ेगा 11,389 रुपीज। तो गाइस, आपको क्या लगता है TBS की BS6 बाइक के बारे में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से BS6 बाइक की प्राइस कितना होना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।